दिली तकलीफ और दर्द को महसूस करेगा जो भारत के संविधान और भारत के डाइवर्सिटी भाईचारगी टूरिज्म पर जिस किसी को आज भी अटूट भरोसा है और यकीन है। आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है और मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी में कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज़ एन एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि ये कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप। अब हम ये नए समझने से हासिल हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ तो क्या कोई जादू से मस्जिद को शहीद कर दिया गया था 6 दिसंबर को? क्या कोई जादू से वहाँ पर 28 और 29 दिसंबर की रात 49 में मूर्तियाँ रखी गई थी? क्या कोई जादू से उसके ताले खोले गए थे जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे? इसीलिए मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसके बरखिलाफ आज ये जजमेंट आया है और ये मैं कहने पर मजबूर हूँ कि वायलेंस पेस फॉर यू पॉलिटिकली। अगर आप वायलेंस करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए कि अडवाणी की रथ यात्रा जहाँ कहीं भी भारत में गई वहाँ पर खूनरेजी हुई, मासूम लोगों जायदादें जलाई गई, खानदान उजड़ गए, बर्बाद हुए और आज ये फैसला आता है सीबीआई कोर्ट का जिसमें कहते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस नहीं था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई साहब ये कितने दिन कितने महीने लगेंगे प्रिपरेशन के लिए ताकि वो स्पॉन्टेनियस ना हो। आप बताइए ना कितने दिन कितने महीने लगेंगे स्पॉन्टेनियस ना हो। क्या ये बात सच नहीं है कि उमा भारती ने कहा था कि एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो? क्या दुनिया ने नहीं देखा कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी तो मिठाइयां बांटे जा रहे थे अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ये सब लोग तो मिठाई खा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। कैसा ये फैसले पे आ जाते हैं? आखिर पैगाम क्या देना चाह रहे आप? पैगाम क्या देना चाह रहे? पैगाम यही मिल रहा है कि वॉयलेंस पेस, मास वॉयलेंस पेस। हिस्सा लिया वो बीजेपी में, उस वक्त का नॉर्थ इंडिया का शिवसेना का चीफ था, कोर्ट के बाहर गया और कोर्ट में जाकर कोर्ट बरी कर देता है लोगों को। तो ये मेरे लिए बहसियत एक भारत के मुसलमान के लिए जो मैं 6 दिसंबर 1992 को जो मुझे एक ह्यूमिलिएशन और बेबसी जो मैं महसूस किया था आज मैं वही महसूस कर रहा हूँ। इंसाफ नहीं हुआ इस मसले में। जिन लोगों के इशारे पर, जिन लोगों की मौजूदगी में, जिनके तकारीर के जुमलों पर ये वॉयलेंस तशद्दुद हुआ, क्रिमिनल एक्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आज वो पूरे के पूरे बरी हो। अब मुझे ये नहीं मालूम कि सीबीआई अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए अपील करेगा या नहीं करेगा, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि अगर अपील करेंगे तो कितना टाइम लगेगा अपील की सुनवाई के लिए। मगर अपील करना चाहिए, ये नाइंसाफी पर मबनी है, बिल्कुल नाइंसाफी पर मबनी है। इसको कोई भी सही सोचने वाला भारत का शहरी इसको सवाल करेगा कि भाई ये क्या इंसाफ हो रहा है, क्या इंसाफ हुआ? हरगिज इंसाफ नहीं हुआ। सारी दुनिया जानती है, सब जानते हैं कि बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, इन तमाम की मौजूदगी और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी, इसकी जड़ कांग्रेस पार्टी, इनकी हुकूमत में मूर्तियां रखी गई, इन्हीं की हुकूमत में राजीव गांधी ने ताले खुलवाए, शिलान्यास किया,
इन्हीं की हुकूमत थी कांग्रेस की जब मस्जिद शहीद हुई और आज ये फैसला आता है। इसीलिए मैं मानता हूं कि ये हमारी भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन। कोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी होता है, ये तो फैसला आखिरी नहीं ना, और कोर्ट के फैसले को नहीं के खिलाफ या उसके उससे डिसएग्री करना कोई कंटेम नहीं है। मैं तो आपको तमाम दलायल दे रहा हूं, ये तमाम दलायल दे रहा हूं। कैसा फैसला किया वही तो हम पूछ रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं कि आप ही की चार्जशीट में आप ये लिख रहे हैं कि कल्याण सिंह ने कहा कि रोप कंस्ट्रक्शन पर है, डिस्ट्रक्शन पर नहीं है। उमा भारती ने कहा कि एक धक्का और दो अडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, उमा भारती को, बाल ठाकरे को, राजीव गांधी को। शोहरत कैसे मिली पॉलिटिक्स में भारत में? इसी वजह से मिली ना इनको पॉलिटिक्स में। अगर शोहरत मिली, सत्ता मिली, कैसे मिली? इसी वजह से तो मिली कि आपने हमारी मस्जिद के ताले खुलवाए, मूर्तियां रखी और हमारी मस्जिद को शहीद किया आपने। इसीलिए तो आप होम मिनिस्टर बन गए, इसीलिए तो आप गंगा की सफाई के मिनिस्टर बन गए, इसीलिए तो आप HRD के मिनिस्टर बन गए, इसीलिए तो आप कल्याण सिंह गवर्नर बने। भाई आपने मुझे खत्म करके मेरी बर्बादी के ऊपर आपने अपना सियासी महल तामीर किया और आज आपको क्लीन चिट दिया जा रहा है। आज आपको क्लीन चिट दिया जा रहा है, ये अफसोसनाक बात। तो आगे क्या करने का विचार है सर? आगे अब ये देखना है कि CBI अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए अपील करेगी या नहीं करेगी, और अगर CBI नहीं करती तो मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों से अपील करूंगा कि वो इसके खिलाफ अपील करें। फैसला आता है और लॉ मिनिस्टर, आप बताइए क्या पैगाम दे रहे हैं आप उन लोगों को जो भारत की ये 1950 और आज ये फैसला आता है 28 साल के बाद। हम आज भी कह रहे हैं अगर ये मस्जिद नहीं शहीद होती तो क्या 9 नवंबर का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता था? सारी दुनिया ने देखा कि जो लोग मस्जिद में खड़े होकर स्पीचेस दे रहे थे, लोगों को उकसा रहे थे, उनकी मौजूदगी में क्या ये बात सच नहीं है कि CBI की चार्जशीट में एक विटनेस ने कहा कि कल्याण सिंह उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रोक कंस्ट्रक्शन पर है, डिस्ट्रक्शन पर नहीं है, वो भी आप नहीं मानेंगे उसको? क्या CBI की चार्जशीट में नहीं कहा गया था कि 5 दिसंबर की रात अडवाणी ने विनय कटियार के घर में साजिश रचाई? क्या ये बात सच नहीं है कि अडवाणी ने कल्याण सिंह को कहा कि उस मलिश नहीं हो जाती? अगर सुप्रीम कोर्ट को वादा नहीं किया था कि हम मस्जिद को बचाएंगे? ये फैसला मुझे कहना पड़ेगा कि ये जजमेंट सेटिस्फाइज द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ हिंदुत्व एंड इट्स फॉलोअर इट्स आइडियोलॉजी। ये जजमेंट का यही है। किसने तोड़ा फिर मस्जिद पर? हम पूछना चाहते हैं जब 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद शहीद हुई थी उस वक्त मैंने अपने आप को एक हेल्पलेस महसूस किया, मैंने अपने आप को अपने लिए एक ह्यूमिलिएशन समझा कि मैं अपनी एक अब शर्म महसूस हुई कि मैं अपनी मस्जिद को बचा नहीं सक रहा हूं, और आज आप ऐसा फैसला देते हैं तो फिर आखिर इतना सब जो इन्वेस्टिगेशन हुआ कैसा क्या हुआ? एक और बात आपको समझने की जरूरत है कि अडवाणी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया BJP गवर्नमेंट तरफ से, एक्यूज्ड है। तभी हमने कहा था कि देखो, मैं फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहा था कि अडवाणी को ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जा रहा है, आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं। उमा भारती, अच्छा आप एक और आदमी का नाम ले लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स में आया कि भगवान गोयल कोर्ट